कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जो कि कभी राहुल गांधी के राइट हैंड होते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने समर्थन किया। लेकिन राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि मोदी सरकार कश्मीर की भावनाओं से खेल रही है, इसका परिणाम जो है वो बहुत ही बुरा हो सकता है। देखिए, जो विचारवान लोग हैं, जो विवेकशील लोग हैं, किसी भी दल में हों, आप देखें वहाँ के भुवनेश्वर कलिता कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ सांसद थे, वो जब उनसे कहा गया कि इस विधेयक के विरुद्ध विधेयक वहाँ पर व्हिप जारी करें, उन्होंने, चीफ व्हिप थे पार्टी के, उन्होंने मना कर दिया और पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उसी तरह से माधवराव सिंधिया के सुपुत्र हैं, एक राष्ट्रीय परिवार है, विजय राजे सिंधिया के पौत्र हैं, तो निश्चित रूप से उनके मन में भी राष्ट्रवाद की भावना जगी होगी और जानते हैं देश का हित और कश्मीर दोनों का हित है कि 370 हटेगा तभी कश्मीर तरक्की करेगा। ऐसे विवेकशील लोग किसी भी दल में रहकर के सही बात सोचते हैं और सही बात करते हैं, और जो कांग्रेसी है, मैं उनकी बुद्धि पर तरस। बहुत सारे लोग जो इस्तीफा दे रहे हैं, अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, भारतीय जनता पार्टी। तो अगर वो लोग आएंगे, मान लीजिए कल को ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्तीफा दे दें कांग्रेस से और बात करें कि बीजेपी में आएंगे, स्वागत करेंगे आप लोग उनका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सारे राष्ट्रवादियों की पार्टी है, सारे राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम है और जो देश को आगे ले जाने की जिसके मन में लालसा है, ऐसे तमाम सब लोगों का समागम है समाज भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी तरीके का नहीं, जो वैचारिक आधार पर जो पार्टी से जुड़ेगा, इसी कारण आज पार्टी की सदस्यता लगभग 11 करोड़ तक पहुँची है, तो उस सदस्यता को बढ़ाने में पार्टी कभी संकोच नहीं करेगी। स्वागत कर लेंगे? नहीं, क्यों नहीं, जो आएगा उसका स्वागत करेंगे, हमने स्वागत किया है जो अच्छे लोगों का। तो ऐसा भी तो हो सकता है, कल अमित शाह जी बोले भाई आप तो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, अमित शाह जी एक बेहतरीन संगठनकर्ता माने ही जाते हैं, बड़े नेता से लेकर वो छोटे कार्यकर्ताओं तक सभी से संबंध में स्थापित रखते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बोल दें अब तो आप हमारी विचारधारा के साथ जुड़ गए हैं, अब तो आपका स्वागत है। नहीं, अब ये निर्णय तो उन्हीं को करना होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जैसा वो उनका निर्णय होगा उसमें हमारी पार्टी के नहीं, ये उनको तय करना है।